श्री पंचम पातशाह जी महाराज जी के समय में प्रभु ने एक बार संगत को कोई सेवा दी। कुछ खास लोग खड़े थे, कोई सेवा दी, गुरु महाराज जी ने उनको पास, उनको साथ लेकर कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक जगह पर सड़क टूटी हुई थी, सड़क टूटी हुई थी, जो बजरी मिट्टी और ईंट वगैरह जो होता है सब सामान पड़ा हुआ था, लेकिन किसी ने बनाने बनाने का टाइम कुछ नहीं था, बारिश बारिश हो रही थी। तो महाप्रभु ने, अब श्री कार वहां पे उतरी, प्रभु कितना सोचते हैं, पूरे पूरे जन कल्याण के लिए सोचते हैं। गुरु महाराज जी ने अपने जो साथ में सेवादार थे उनको कहा कि देखो सड़क टूटी हुई है, बजरी बजरी मिट्टी मिट्टी सब पड़ा हुआ है, फावड़े सब सामान पड़ा हुआ है, चाहे मजदूर इधर उधर हो गए होंगे बारिश के चक्कर में। गुरु ने फरमाया लग जाओ अभी फटाफट इसको सारा रिपेयर कर दो, क्योंकि सड़क के चक्कर में दोनों तरफ ट्रैफिक लंबा जोड़ा ट्रैफिक, इधर खड़ा है उधर खड़ा है, और सड़क बीच में से मेजर हिस्सा टूटा पड़ा है, उसके चक्कर में बहुत धीरे 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 गाड़ियां जा रही है। तो सेवकों ने इधर की गाड़ियां रोकी, इधर की ट्रैफिक रोका थोड़ी देर के लिए कि भाई थोड़ी देर रुक जाओ और निकल कर लेने दो। तो सबने, गुरु महाराज जी अपना गाड़ी में विराजमान है और सेवक लगे फटाफट, उन्होंने जो पड़ा था, सेवकों की अपनी ताकत होती है, गुरु महाराज जी का आदेश सबसे बड़ी चीज है, तो फुल पावर के साथ उन्होंने फटाफट सेवा करी। उनको देख के और भी आसपास में जो गाड़ियों, जो ट्रैफिक में जो लोग बैठे हुए थे अपनी अपनी गाड़ियों में, वो भी कुछ निकल के, कुछ लोगों ने आकर वो भी सेवा करी। कुछ 10-15 मिनट में सारा का सारा जो भी था वो एक अच्छा खासा लेवल उन्होंने मिट्टी विट्टी डाल के बराबर बना दिया और फिर ट्रैफिक को फ्लो कर दिया। प्रभु बड़े प्रसन्न हुए। गुरु महाराज जी ने फिर कहा कि चलो अब आपको इसका इनाम देते हैं, अब आपके साथ हम पिकनिक पर चलते हैं। पिकनिक पर, अब प्रभु का पिकनिक, पिकनिक की बात है, कहाँ महायोगी हैं वो, उनको क्या लेने देना, लेकिन फिर भी सेवक की खातिर, अपने बच्चों की खातिर, प्यार की खातिर गुरु महाराज जी ने सबको कहा चलो पिकनिक पे चलते हैं। तो श्री कार को कहीं मोड़ लिया कि जंगलों की तरफ, ऐसी जगह पर ले चलो जहाँ थोड़ा भीड़ भाड़ से अलग हो। अब महाप्रभु जब चार्ज जलते हैं तो उनके साथ सारा सिस्टम चलता है, मतलब खाना पीना वो सब साथ में रहता ही है। हमारे प्रभु जी को सदा खिलाने का शौक रहा है, तो प्रभु जी चलते चलते अपना किसी एक जंगल के बीच में, कहीं थोड़ा मैदान सा बना हुआ था, घास का मैदान सा बना हुआ था बीच में कहीं पर, तो प्रभु ने कहा कि चलो यहाँ पर, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सब सिस्टम बना रखे हैं जिन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि ऐसा जैसे हमें उम्मीद नहीं थी, जो गुरु महाराज जी के साथ सेवादार थे उन्होंने बताया कि भाई ये तो हमें उम्मीद नहीं थी कि भाई जंगल के बीच में ऐसे मैदान कहाँ मिल जाएगा। तो बड़ा सुंदर सा एक जगह बनी हुई थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ कुछ ऐसी दिव्य शक्तियों ने बनाया है। तो प्रभु वहां पर कहा कि चलो ये जगह ठीक लग दी है, चलो यहाँ पर बैठते हैं। तो वहां पर चादर वादर बिछा दी गई, गुरु महाराज जी के लिए चेयर लगा दी गई, प्रभु चेयर पर विराजमान हुए और साथ में चादर वादर बिछा के सब भगत जन बैठे और अपना ढोलक चिमटे सब लेके, तो अपना कीर्तन चालू। गुरु महाराज जी बड़े प्रसन्नचित, फिर फरमाया कि भाई ऐवें सूखा सूखा खिलाई जाओगे, कुछ खाने पीने का भी लाओ। अब खाने पीने का भी कोई कोई बिस्किट टॉफियां तो पसंद नहीं आती, गुरु महाराज का कुछ नया बनाओ, ताजा बनाओ, तो सब सामान साथ में होता है। तो उन्होंने अपना स्टोव, पहले स्टोव होता था, तो स्टोव निकाला, उसके साथ में अपना पकोड़े वकोड़े का सिस्टम सब लेके चलते हैं। वो गुरु महाराज जी को जो साथ होते हैं ना, पता नहीं कब क्या लीला हो जाए, तो सब उन्होंने सिस्टम लिया, उधर स्टोव जलाया और अपना वो पकोड़े बनाने शुरू कर दिए। उस समय स्टोव होता था, पुरानी बात है, बाद में क्या कहते हैं, उसके बाद पकोड़े बन गए, चाय। अब चाय के लिए जब देखा तो दूध रखा हुआ था, शायद पहले सुबह का रखा हो, दूध फट गया, गर्मी उर्मी थी, तो दूध, उसको दूध जो है वो फट गया। तो वो महात्मा जी बैठे, भी सारा सिस्टम अच्छा होगा, गुरुमय अभी चाय के लिए फरमाएंगे, फिर क्या करेंगे हम। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि देखो जो भी हो, हमें एक ही चीज का पता है, हर बीमारी का इलाज ना गुरु का नाम है। अब गुरु महाराज जी के चरणों में विनती भी नहीं कर सकते, विनती किसको करें। अब तुम गुरुमय फरमाएंगे कि तुमने ध्यान भी नहीं रखा इस बात का। चलो उन्होंने क्या किया, पत्ती वत्ती डाली, अदरक वदरक जो डालना था सब डाल के ऊपर उसमें फटा हुआ दूध उसमें डाला, उसके ऊपर ढक्कन लगाया और जोर जोर से नाम की चेंटिंग शुरू कर दी कि जो भी करना है इसी नाम ने करना है। तो लेके जोर जोर से नाम का जाप कर रहे हैं, थोड़ा पीछे जाकर जहाँ वो बना रहे थे, यहाँ गुरु महाराज जी विराजमान है, ढोलक चिमटा अपना वो चल रहा है, सत्संग वगैरह भजन वगैरह बोले जा रहे हैं। अब जब बीच में फिर प्रभु ने फरमाया भी वो किथे गए ने भाई, ये सारे भगत किथे गए, जड़े जो साथ में आए थे भगत वो कहाँ पर है। कहा जी पीछे वो ना, वो पीछे जो है वो तैयार कर रहे हैं, आपने फरमाया था तो पकौड़े वगैरह बना रहे हैं। तो गुरु महाराज जी ने अब नाम का जाप सुना,
ध्यान दीजिएगा इस बात पर, मतलब बाकी जो वो कर रहे थे वो अपनी जगह पर, लेकिन जब नाम का जाप उन्होंने चैंटिंग उच्चारण शुरू किया, सबने आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, वो चाय को उसके ऊपर रखा हुआ है, ढक्कन लगाया हुआ है, भाई अब नाम के सिवा कोई रास्ता नहीं है, राइट। अब मृत्यु के समय भी यही होना है, देख लेना, सब संग सखा सब छड़ गए, कोई न निभियो साथ तुलसी, अब उस विपद में टेक एक रघुनाथ। वहां पर केवल परमात्मा का नाम ही बचना है, उस समय में अंत में सब निपट जाना है। तो जीवन की भी बिगड़ी ऐसे ही सुधरेगी ना, जब नाम का जाप जो है हर जगह इसी नाम ने साथ साथ देना है, इसी नाम ने साथ देना है, राइट। तो इस बात को अच्छे से ध्यान रख ले, जहां जहां पर जो वो जब वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन आती है ना, नाम वहां भी साथ है, नाम यहाँ भी साथ है। तो यहाँ भी सेवकों ने उसी नाम को पकड़ा, अपना आंखें बंद करके चैंटिंग कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी वहां से सुंदर अपने चरणों पर चलते हुए आए और थोड़ा प्यार से, गुरुमुखो क्या कर रहे हो? तो बड़े प्यार से उन्होंने देखा तो महाप्रभु सामने खुद खुद खड़े हुए हैं और फरमा रहे, तो ये सब उठ के खड़े हो गए। तो उन्होंने कहा कि प्रभु वो थोड़ा दूध जो है ना वो फट गया था, चाय बनाने लगे थे तो हमें और तो कुछ सूझा नहीं, अब यहाँ से दूध कहाँ से लाए घने जंगल में, तो हम तो आपका नाम जप जप के उसको ठीक कर रहे थे। गुरु फरमाते हैं अब तो ढक्कन उठा दो, ठीक हो चुका है, सब ठीक हो चुका होगा। नाम का जाप सुनते हैं तो वहां कानों में अंदर में हलचल होती है वहां पर। गुरु फरमाते हैं तुसी जब तक तुम वैसे बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, कुछ कर रहे थे तो बात ठीक, लेकिन जब तुमने नाम का जाप किया तो हृदय में सीधी सीधी आवाज जो है, पावन वचन जो है, वहां तक अंदर तक हमारी आवाज पहुंच जाती है। और फिर प्रभु ने सबको खूब प्यार से देखा, तो उन्होंने चाय ढक्कन हटाया तो बड़े प्यार से मस्त मस्त चाय बनी हुई थी। तो नाम का जाप जब फटे हुए दूध को सील सकता है, तो फटी हुई सुरती को भी सील सकता है, मतलब ध्यान को भी सील सकता है, पुराने कर्मों का भी नाश कर सकता है। गुरु महाराज जी ने अभी यही फरमाया, यही नाम, यही शब्द ही सर्वोच्च सत्ता है, यही शब्द ही रक्षक है, यही जीव का हर तरीके से भला करने वाला अगर कुछ है तो केवल यही नाम का जाप है। तो इसी नाम को पकड़ लें, यही इसी नाम को पकड़ लें, ये यहां भी साथी है, ये वहां भी साथी है। जहां महाभयान दूत जम दले, मन ऊहा नाम संग तेरे चले। जहां महाभयानक यमदूत जब वो पकड़ के खड़े होते हैं ना, भाले पकड़ के खड़े होते हैं, गुरु महाराज जी ने एक बार वो दृश्य दिखाया था मुझे, कहते देख तू भाई, किसी को बोलो तो प्रूफ तो होना चाहिए ना, कि तुझे को पता, कोई कमेंट कर दे, कोई सवाल कर दे भी होता है कि नहीं होता। गुरु महाराज ने कहा देख ये भी होता है, ये देख कैसे होता है। तो ऐसे भयंकर तरीके से वो काले भयानक चेहरे वाले वो खड़े होते हैं, और वो लेके जो ना वो सोल को, जब आत्मा को, जीव आत्मा को लेकर जाते हैं, खूब मारते पीटते वो लेकर जाते हैं, बड़ा लंबा सफर होता है। जिन्होंने पाप किए होते हैं अकॉर्डिंगली, जिसने पुण्य किए हैं उसके लिए फिर अलग रास्ता है, उसके लिए देवदूत आते हैं और इनके लिए जो यम के दूत आते हैं वो अलग अलग वे है। या ये समझ लो कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तीन देखी तैसी, तो वो लेकर जाते हैं। गुरु महाराज जी फरमा रहे हैं कि मन जहां महाभयान दूत जम दले, वहां महाभयानक यमदूत जो है वो होते हैं, तो मन ऊहा नाम संग तेरे चले, वह नाम का वहां पे भी नाम तेरा साथ चलता है, तो भूल नहीं जाना, यही शब्द गुंजार कर देना वहां पर, एक बार कह देना, यमराज की आंखों में भी आंखें डालकर बोल देना, पता है मैं कौन, क्या है मेरे पास, ये पावर इतनी शक्ति चलती है। गुरु महाराज जी ने एक बार दिखाया था, कहते तू एक बार बोल के तो देख, मतलब सच में यमराज को सामने खड़ा करके। मैंने कहा प्रभु मेरा वंदन है इनको, नमस्कार है, ऐसे मत कहो, मैंने तो उनको आगे नमस्कार किया, वो गुरु महाराज जी के आगे दंडवत प्रणाम करें यमराज। तो गुरु महाराज फरमाया देख नाम की ताकत, देख नाम के कारण इतनी पावर आ जाती है, इतनी सेवक भी अगर आदेश देना उस सेवक की भी बात सुनते हैं। यमराज को आज्ञा नहीं है कि जहां पर भी नाम का जाप हो रहा हो वहां के उस बाउंड्री के अंदर भी एंटर नहीं कर सकते। तो इस ताकत को समझना, संसार में जितने भी कष्ट हैं वो हमारे ही पैदा किए हुए हैं, हमारी हरकतों से वो कष्ट पैदा हुए हैं, अपनी ही कमियां हैं। मैं बार बार वीडियोस में बताता हूँ ना कि कौन कौन सी कमियां, कौन कौन सी हमारे, कौन से कर्मों की वजह से क्या हो रहा है। बेशक वो हमारे कर्म है, लेकिन आज ये ताकत भी तो हमारे पास है ना, गलती भी हमने करके, सुधारने का तरीका, मौका भी हमारे पास है। तो जो भी कारण हो, जो भी तरीका हो, इस नाम को पकड़ लें, बस इसी के साथ प्रीत का रिश्ता।
आप में से अभी हम गए गुरु महाराज जी के दर्शनों के लिए, कितने ही लोग लाइनों में दर्शन कर रहे थे। हमने जब भी दर्शन किए, गुरु महाराज जी हमेशा एक ही बात सुनाई, हर बंदा अपनी अपनी लिस्टें लेकर खड़ा हुआ है कि किसी तरीके से। फिर पिछली बार गए थे तो अंतर में दर्शन करने का मौका मिला था, मतलब अंदर में, तो वहां पर तो पता लग रहा था कि सामने वाला क्या बोल रहा है। अब भीड़ में तो नहीं पता चलता, वहां गुरु महाराज जी के सामने, स्वामी जी मेरी ये समस्या, गुरु महाराज जी ये इशारे से 2 घंटे जाप, स्वामी जी मेरी फलानी समस्या, बेटी की शादी नहीं हो रही, इलाज सबका एक ही है, जो मर्जी कह लो तुम, ऐसे कह लो या वैसे कह लो, स्वामी जी बेटे की वो नौकरी नहीं लग रही, एक बार बता दिया 10 बार बता दिया, ऐसे पकड़ लो वैसे पकड़ लो, है तरीका यही। तो एक बात को अच्छे से समझ लें, इसका कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। हमारे आम लोगों के लिए तो वो अनेक सहारे हैं, कोई लगता है कि कोई और सारे, कोई ये मंत्र के वो तंत्र, लोग मेरे से पूछे गुरुमुखों के लिए कोई रास्ता खोला ही, कोई और ऑप्शन ही नहीं है, एक ही रास्ता है, सर्वोच्च है, वो आखिरी चीज है। गुरु महाराज ने फरमाया तुम ये बाकी मंत्र वंत्र जपते हो, क्या लगता है तुम्हें इन मंत्रों की के सामने नाम की ताकत कितनी होगी, तुम्हें पता है नाम की ताकत कितनी होगी, तुम्हें पता है? ऐसा नहीं कि मंत्रों में ताकत नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन गुरु का दिया हुआ नाम जिस पे परम हंसों ने ठप्पा लगा रखा है, इसकी महाशक्ति है वहां पर। इस नाम के जाप के आगे जब काल भी ये थर थर कांपता, सोच के देखो क्या हालत होगी, कितना ऊंचा होगा ये नाम। और गुरु हमारे जो स्वयं अपने मुखारविंद से फरमा रहे, यही नाम ही परमात्मा है, तुम क्या सोच के बैठे हो, ये नाम ही ठप्पा है ये, जिसके माथे के ऊपर जब ये लगा देते हैं ना गुरु महाराज जी, जिसको नाम दान दीक्षा मिल चुकी है, तो यहाँ पे माथे के ऊपर ठप्पा लगा देते हैं, और इस ठप्पे को देख के काल भी आगे नमस्कार करके जाता है कि भाई साहब गुरु महाराज जी का सेवक है, इनके सामने नहीं बोलने का, नहीं बोलता। लोहा काई ना लगे, सोना काई ना लगे, लोहा घुण नहीं खाए, जैसा तैसा गुरु भगत, कबहू नरक नहीं जाए। आम लोगों के लिए बहुत सारे वो प्रावधान है, स्वर्ग भी है नरक भी है, पुण्य करते हैं तो मांग रखते हैं ना, ये तो दिक्कत है सारी। मेरे गुरु महाराज निष्काम भक्ति करवाते हैं, भक्ति करूं निष्काम, सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान, नाम मोलक दीजिए, भक्ति करूं निष्काम, जो प्रार्थना करते हैं, समझ में आता है इसका मतलब? निष्काम का मतलब है मेरी मांग नहीं है वहां पर। आम लोग जो भक्ति करते हैं ना, वो सकाम भक्ति करते, इच्छा, कुछ डिजायर, ये करूंगा तो ये मिल जाएगा, ये करूंगा तो ये मिल जाएगा। गुरु महाराज जी ये करूंगा ये मिल जाएगा वाली भाषा वहां नहीं चला करती, सिर्फ हमें देने का पता है, मिल जाएगा, वो दे रहा है अंतर्यामी, वो घट घट के पट पट के जानता है, उसको नहीं पता कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, उसको नहीं पता, सब जानता है वो, सब जानता है। एक बार कभी दिल से पूछ के देखो, हम जैसों को समझ में आ जाती है लोगों के मन में क्या चल रहा है, हम जैसे हम तो तुच्छ किसी गिनती में नहीं आते, आप सामने बैठते उनके भाव समझ में आ जाते कि बंदा क्या सोच रहा है। तो गुरु महाराज वो तो ऐसे मेरे जैसे करोड़ों उनके चरणों में डोल रहे होते हैं, ऐसे क्या लेवल है सोच के देखिए, घट घट के पट पट की जानत, वो सोचते तुम बाद में। गुरु महाराज कहते जब तुम्हारे भाव उठते हैं ना, उठने से पहले पता होता है कि क्या मन में उठने वाला है, और सच पूछो तो भाव उठते भी कभी कभी वो जो चाहते हैं भाव में वही उठते हैं, तुम्हें लगता है कि मैं अभी सोच रहा था ये काम कैसे हो गया, अरे भाई उसने पहले काम किया बाद में तुम्हारे अंदर सोच डाली है, उसको नहीं पता कि क्या खेल चल रहा है, वो मास्टर है, वो मास्टर मास्टर, बड़े बड़े संत जन जिसके जिनके चरणों में ऐसे सर नवाकर खड़े होते हैं, नेति नेति जही वेद निरूपा, वेद जिसे नेति नेति कहकर हार जाते हैं, ये वो सदगुरु हैं, निजानंद निरुपाधि अनुपा, जो अपने ही आनंद में लीन है, उसको कोई उपाधि, सारी उपाधियों से परे हैं वो, उसको कोई उपाधि नहीं जा सकती। वेद कहते नेति नेति नेति, नॉट दिस, यू कैन नॉट डिफाइन उसकी पावर क्या है। नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, भगवान शिव जैसी महान हस्ती, हमें लगता है कि वो आखिरी सत्ता है, लेकिन यहाँ जो फरमा रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, वाणी के वचन है ये, शंभु विरंचि विष्णु भगवाना, उपजे हूं जासु अंश ते नाना, न जाने कितने ही ब्रह्मा विष्णु महेश्वर उसके एक अंश मात्र से निकलकर सृष्टियां चला रहे हैं, उसके एक अंश मात्र से, सोच सकते हो
हम पूरा पूरा का पूरा वर्ल्ड जो है भगवान शिव की आराधना करता है कि आप सर्वोच्च सत्ता हैं, लेकिन वो भगवान शिव भी जिसकी ध्यान करते हैं वो जरा पता होना चाहिए कि क्या लेवल है सदगुरु का। शंभु, ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये वचन वाणी में लिखे हुए हैं, ये रामचरित मानस के शंभु विरंज विष्णु भगवाना उपजे हूं जासु अंश ते नाना। उसके एक अंश मात्र से कितने ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव प्रकट होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, सोचिए। चुप जे हूं जासु अंश ते नाना, ऐसे ही प्रभु सेवक बस अही, ऐसे ही प्रभु सेवक बस अही, सेवक के प्यार की वजह से भक्त हेतु लीला तन गए ही। भक्त की खाते लीला रूपी शरीर धारण करते हैं और फिर हमारे बीच बैठकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खेलते हैं। क्या क्या लीला चल रही होती है, कभी आप देखो इतने भोले भाले भंडारी बनके बैठे हैं जैसे इनको कुछ पता ही नहीं होगा। लोग गुरु महाराज जी के मुखड़े को देख के कभी आपको लगता है कि कौन हंसती है, ये इतना भ्रम में डाल देते हैं। बड़े 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 जो दिग्गज जो है ना, गुरु महाराज जी ने एक बार दिखाया था सप्तऋषिगण जो होते हैं, सप्तऋषि जिनके जिनके अंदर से वेद जो है ना फूटते हैं, ये वो गुरु महाराज जी के आगे ऐसे करबद्ध देख रहे होते हैं। मैंने कहा प्रभु ये क्या लीला है, ये क्या लीला है, आप पहचान नहीं सकते इनके सुंदर स्वरूप को देख के, इतने इतने भोले भाव को देख के किसी की औकात समझ में नहीं आती भाई ये किस हस्ती के मालिक हैं, ये क्या हस्ती है इनकी, लेकिन इतना भोला भाव, इतना भोला, वैसे पर्दा था डाल देंगे जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं, ऐसे भोले भंडारी बन के बैठे हैं जैसे हमें तो कुछ पता ही नहीं है दुनिया का, बन के बैठे भोले बाबा, सारी दुनिया हिला रखी है, अंतर ही अंतर में चमत्कार चल रहा है, आत्माओं को पता नहीं कितनी आत्माओं को मुक्ति दी जा रही है। बात समझना, गुरु का दर्जा क्या होता है, किससे प्रीत करी है तुमने, ये कोई मजाक नहीं हो रहा, बड़ा 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 रुतबा है परमहंसों का। ठीक है बाहर प्रचार नहीं है, अभी दुनिया सारी एडवर्टीजमेंट के पीछे मर रही है कि हमारे दरबार का प्रचार क्यों नहीं है, हमारे दरबार का प्रचार नहीं है क्योंकि वैसे ही इतने फेमस हैं, अभी तो कहते हैं प्रचार नहीं है। तब गुरु महाराज जी जब एक बार दिल्ली में कृपा करी थी पंचम पाशाह जी महाराज ने, रोड ब्लॉक हो गए थे, रात के 12 बजे की बात है, रात के 12 बजे इतना ट्रैफिक हो चुका था रोड के ऊपर, जब सब आमतौर पर तो इतना नहीं होता ना, रात के 12 बजे गुरु महाराज ने संत कुछ कृपा करी तो रात के 12 बजे लाइनें लग गई थी, रोड ब्लॉक हो गए थे। बात कहने का मतलब है कि अभी वो हस्ती हैं जिनके बारे में कोई प्रचार नहीं है, कुछ चिट्ठियां नहीं पा रहे हैं लोगों को, कोई वीडियो में दिखा नहीं रहे हैं, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं दे रहे हैं, कोई सोशल मीडिया पे प्रचार नहीं कर रहे हैं, कोई टीवी में नहीं आ रहे हैं, तब ये हालत है। सोच के देखिए अगर 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 कभी आ कर दिया प्रचार तो फिर क्या हालत होने वाली है। आएगा समय, वो भी आएगा, चिंता मत करें। अब जैसे जैसे आगे समय बढ़ता जा रहा है, गुरु महाराज जी ने भी ठान रखी है, परमहंसों का युग है ये, आपके युग में जन्म लिया है, इसका भी मुझको मान बड़ा है, धन्य भाग हैं हमारे, ऐसे सदगुरु मिले हैं, ऐसे सदगुरु परमहंस मिले हैं, को मजाक नहीं हो रहा, हंस बना रहे हैं अपने चरणों के साथ लगा लगा कर जो है ना, कैसे जैसे सदगुरु को सजदा करूं घड़ी घड़ी सौ सौ बार, सदगुरु को सजदा करूं घड़ी घड़ी सौ सौ बार, जिन मानुष ते देवते किए करत न लागी बार, इंसान से देवता बनाकर खड़ा कर दिया है, कोई मजाक नहीं हो रहा है ये, जरा फील करके देखना, भी आपको अंदर की अवस्थाएं नहीं समझ में आती ना कि अंदर क्या होता है। ये देवी देवताओं को हम नमस्कार करते हैं, हमारे भाई जी जो है ना गुरु महाराज जी पूछते हैं भाई जी से, संतों से पूछते हैं कि भाई जी किसी मंदिर के आगे से निकलते हो तो तुम इनको नमस्कार करते हो मंदिरों के आगे, कर जी जरूर करती हूँ भाई जी, जिनकी मैं बात करूं जलंधर वाले भाई जी हैं वो, मतलब एक आम संत दिखने में बिल्कुल साधारण से संत, उनको गुरु महाराज जी पूछते हैं कि क्या आप ऐसे जो है गुरु महाराज किसी मंदिर के आगे से निकलते हो तो नमस्कार करते हो, जी स्वामी जी जरूर करते हैं। गुरु महाराज फरमाते हैं अब ना करा करो, अब करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं, कहते अब वो तुम्हें नमस्कार करने आएंगे, गुरु महाराज फरमा रहे हैं अब वो तुम्हें नमस्कार करने आए तो वहां पहुंच चुके हो, जिन मानुष थे देवते किए करत न लागी बार, पता भी नहीं लगने दिया कि हमारे बीच में वो लोग बैठे हुए हैं जिन्हें परमात्मा स्वरूप बना दिया है उन्होंने, अपने जैसा बना दिया है, मजाक नहीं हो रहा है ये, यही यही नाम का जाप ट्रांसफॉर्म करके रख देता है, यही शुद्ध करता 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 प्योरीफाई करता करता नाम का जाप कहां से कहां ले जाता है, कैसे बना के खड़ा कर देता है, इसी नाम की बदौलत, इसी नाम की बदौलत। तो छोटी चीज नहीं है जो आप जप रहे हैं, पता रहना चाहिए भाई, इतना सा कुछ लोग
कुछ लोगों के कमेंट मैंने देखे हैं, मैं जानता हूँ सबके अंदर की, तो जो जो लोग कहते हैं सबकी बात समझ पहुंच तो जाती है कहीं ना कहीं, बस इतना से तो पहले पता था हमारे को नाम। अच्छा तो क्या होगा, सो व्हाट, बस याद समझना जितना तुम मानोगे उतना है, जितना तुम मान लोगे उतना है। तुलसीदास जी ने एक बार किसी भक्त को अपने पास, किसी भक्त ने कोई आया होगा तो उसने कहा कि मुझे वापिस जाना है, मुझे जाना है तो रास्ते में ना नदी पड़ती है, नदी पार कैसे करूंगा। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं एक पत्ते के ऊपर, एक पत्ता तोड़ा, उसके ऊपर कुछ लिख दिया, कुछ लिखकर पत्ते को ऐसे फोल्ड किए, कहा कि मुट्ठी बंद कर ले, देखना मत, खोल के मत देखना क्या है, तो चुपचाप इसको बंद कर ले और ले जा, और तेरे लिए पानी के ऊपर चलता हुआ जाएगा। तो ये मैं बोल रहा हूँ, आदेश, संतों का आदेश मजाल है, कोई चीज टाल दे प्रकृति पे, उनका हुक्म चलता है। तो वो लिया, हाथ में पत्ता लिया और लेके चल दिया, और जैसी जाता जा रहा है, मतलब जो उफलती हुई नदी है, लेकिन उसके जाते बिल्कुल ऐसे नॉर्मल पानी, बिल्कुल ठहर जैसे ऐसे चल रहा है, पानी के ऊपर चलता हुआ जा रहा है। बड़ा मन में, अरे भाई साहब कमाल हो गया, चमत्कार हो गया, तो लेके ऐसे बड़ा राजी हो रहा है, भाई ऐसी महाशक्ति मेरे पास है। मन में पता नहीं ऐसा कौन सा मंत्र लिख के दे दिया इसके ऊपर। अच्छा आधे रहते तुलसीदास जी स्पेशली बोला, खोल के मत देखना, देखना मत इसको, अब इसका विश्वास अधूरा हो रहा होगा, कुतूहल मन के अंदर, आधे नदी के आधे बीच में पहुंचा है और वहां पे मन में कुतूहल इतना ज्यादा कि देखो तो सही क्या है, देखो तो सही क्या है। खोल के उस पे अपने उसमें देखा, पत्ते को उठे के देखा तो राम लिखा हुआ था, बस राम, बस राम। उठा नीचे, जैसे शक किया, इसी नाम के सहारे चलता आ रहा है लेकिन शक कर रहा है नाम के ऊपर, बस राम लिखा हुआ। मैं सोच रहा था पता नहीं कौन सा मंत्र लिखा होगा, बस राम शक किया और उठा नीचे, वहीं पे पता नहीं जैसे तैसे करके बाहर निकला और फिर पहुंचा तुलसीदास जी के चरणों में, माफिया मांगी, प्रभु बख्श दो। कहा कि ये जिसका भरोसा है, भरोसे वाला पार है, ये नाम दे दिया ना गुरु महाराज जी ने, बस कह दिया ना, इसके ऊपर कुछ है और कहने के लिए जरूरत नहीं है, फिर यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। तो कभी कोई भी दिक्कत आ जाए, समझिए ये महाशक्तिशाली चीज सदगुरु ने हमें दे दी है, इससे आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप खुद समझदार हैं। ये नाम मिला है, गुरु महाराज जी की महिमा गाएं, इसी नाम में सारी ताकत है, चलते फिरते उठते बैठते ये नाम जो है ना अंतर में उतर जाए। थोड़ा सुमरण बहुत सुख, जो करे जाने कोए, हींग लगे ना फटकड़ी, रंग चोखा जो होए। सुमरण की सुध यूं करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरती में कहे कबीर विचार। चलती है सुरती वो जो गांव में सिर पे ऊपर मटके वगैरह लेकर, आपने देखा हो कभी, देखा हमने तो गांव में बड़ा देखा है, सिर के ऊपर मटके लेकर चलती हैं गांव पानी भरने के लिए जो जाती है ना, वो एक कई मटके होते हैं, एक के ऊपर एक मटके, दो तीन मटके भी रखेंगी, बात भी करती जाएंगी, मजाल है मटका कभी इधर से उधर डिग जाए उनका, यही उनका कमाल है। सुमरण की सुधियों करो जो गागर पनिहार, वो चल रही है बात भी कर रही है, सहेलियों से बतिया रही है, लेकिन ध्यान उस मटके में ऐसा करके चल रही है, बैलेंस बना के चल रही है, मजाल है मटका नीचे पटक जाए नहीं गिरता, अगर गलती से इसका ध्यान वहां से हट जाए ना, मटका ठा नीचे, सुमरण ऐसी सुरती, इसका मतलब हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम संसार के कार्य करते हुए नाम में प्रीत लगा सकते हैं। तो बस यही याद दिलाया जा रहा है कि वो लगा लो, ऐसे सदगुरु मिले हैं, ऐसा पवित्र नाम मिल गया, इतनी महाशक्ति मिल गई है, पांच नियम गुरु महाराज जी ने दे दिए हैं, सारा कुछ इसमें समा गया है। बस उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी, गुरु महाराज जी की कृपा सब पर इसी प्रकार से बनी रहे। ये नाम का जाप और पांचों नियम हमारे हृदय में बजे, 2 घंटे गुरु महाराज ने फरमाया बैठकर जपना, 2 घंटे बैठकर, बाकी चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते मरते जीते जो भी कंडीशन क्यों ना हो फिर जपते रहना, बस 2 घंटे बैठकर जरूर जपना है, सबके लिए, आपके लिए भी उतना ही जरूरी है, मेरे लिए भी उतना ही जरूरी है। आइए धन्यवाद अदा करते हैं गुरु महाराज जी की अपार कृपा से, समय ही समाप्त होता है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।